हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ और मस्त हूँ। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना शाम का मिनी व्लॉग। बहुत दिनों से मैंने व्लॉग शूट किया भी नहीं था, तो मैंने सोचा सिंपल सा अपना व्लॉग शूट करती हूँ। तो शाम के बज रहे हैं 4 और मैं यहाँ पे अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अच्छी सी बुक रीड कर रही हूँ। मैं अच्छी सी कोई बुक पढ़ लेती हूँ इस टाइम, मेरी चाय के साथ इंजॉय कर रही होती हूँ, या फिर मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, या फिर मैं कोई वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, और या फिर मैं मन पसंद के सॉन्ग सुन लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो मी टाइम है वो फिनिश्ड हो गया है। अभी बज रहे हैं 6 और मैं डिनर बनाने के लिए जा रही हूँ। हम लोग जल्दी डिनर कर लेते हैं 7:30 बजे। और मैं जो अपना है आज बहुत ही सिंपल डिनर बना रही हूँ, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई थिंक मैंने ये वाली रेसिपी जो सब्ज़ी है मैंने पहले रिकॉर्ड की थी, पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप देख लेना। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉर्न की सब्ज़ी। उसको मैंने अच्छे से 2 बार वॉश किया था, फ्रोज़न करके रखी थी फ्रिज में, तो 2 बार वॉश कर लिया और उसको बॉइल्ड कर दें के लिए रख दिया है मैंने तपेली में, भगोने में। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है आटा लगा रही हूँ, पराठे का डो मैं रेडी कर रही हूँ। लेकिन उसके पहले तेल उसको रिफ़िल किया मैंने। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नमक का डब्बा था वहाँ पे मैंने यहाँ पे नमक थोड़ा सा रिफ़िल किया नमक का। और उसके बाद हम अच्छे से हमारा जो पराठे का डो है वो लगा लेंगे। इसके साथ रोटी भी अच्छी लगती है, लेकिन हम लोग पराठे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए चलिए आज अच्छे से पराठे का डो रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल नमक डाला है स्वाद अनुसार, यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने। और यहाँ पे एक तरफ हमारी जो कॉर्न है वो बॉइल्ड भी हो रही है संग में ही। और मैं आज, तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे नीचे बैठ गई हूँ, आराम से आटा रेडी कर रही हूँ पराठे का। कभी कभी मुझे मन करता है तो मैं नीचे बैठ के अच्छे से आटा को रेडी करती हूँ। तो कुछ जल्दी भी नहीं थी तो मैंने सोचा शांति से अपना काम करती हूँ, तो मैं यहाँ पे पराठे का डो रेडी कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे घर पे 2 तरह का डो रेडी होता है। एक गेहूँ का होता है जो नॉर्मल हम सभी के घरों में होता है, और एक ज्वार की रोटी का आटा है वो मैं भी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि पापा जी को ज्वार का रोटी वगैरह है, ज्वार की ही अच्छी उनको पसंद है। वो गेहूँ के कभी कभी खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज्वार की रोटी खाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना दोनों डो को मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। ये हमारा हो गया रेडी, और ये जो पापा जी है वो उनका डो रेडी कर दिया है, उनकी रोटी ज्वार की बनेगी वो अलग से। तो यहाँ पे हमारा आटा अच्छे से रेडी हो गया है। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप अमेरिकन कॉर्न की जो सब्ज़ी जो मैं बना रही हूँ आप लोग बनाते हो या नहीं बनाते, आपने कभी ट्राई की है या नहीं की है। बहुत ही अमेजिंग टेस्टी लगती है, पनीर की सब्ज़ी भी आप भूल जाओगे, इतनी सुपर बनती है ये वाली सब्ज़ी। आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं बनाई है तो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला है, उसको गर्म होने देंगे। और फ्रेंड्स, में जो टमाटर की जो प्यूरी है वो मैंने डाली है ग्रेवी, टमाटर, लहसुन और प्याज, सिंपल बस ये 3 चीज़ है, हरी मिर्च मैंने एक भी नहीं डाली है। और यहाँ पे हमारी ग्रेवी जो है तेल में डाल दी अच्छे से, अब उसको कुक होने देंगे अच्छे से। और तब तक इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेते हैं। उसमें मैंने नमक डाला है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जो घर के मसाले होते हैं, धनिया जीरा पाउडर, वही सब डाला है, और कुछ भी मैंने अलग से नहीं ऐड किया है। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, लेकिन इतनी टेस्टी बनती है। और इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया था, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। सो फ्रेंड्स, ग्रेवी को हम अच्छे से पकने देंगे ढक के। सारी चीज़ों को मैंने प्रॉपर मिक्स कर लिया, और ग्रेवी हम अभी कलर अच्छा नहीं आया क्योंकि ग्रेवी हमारी अभी कच्ची है, तो इसको बॉयल होने देंगे। तब तक साइड में मैं यहाँ पे सैलड रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कैबेज
लिया है, फिर वर्ल्ड की हुई जो अमेरिकन कॉर्न है वो मैंने थोड़ी सी ले ली है। बहुत ही अच्छा सैलड बन के रेडी होता है, आप भी ट्राई करना। यहाँ पे मैंने अनियन डाली है, वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने मेयोनीज डाली थी थोड़ी सी, यहाँ पे हर्ब्स मैंने ऐड किए हैं, और यहाँ पे देखो बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है सैलड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए हमारी ग्रेवी जो है बिल्कुल पक चुकी है, और ऑयल भी ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा, और यहाँ पे हमारी ग्रेवी हो गई है अच्छे से डन। उसके अंदर बॉयल्ड किया हुआ जो कॉर्न्स थे वो हमने डाल दिए हैं। आप इसके साथ पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हो, चीज़ भी डाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे आज सिंपल बनाएंगे। मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, आज मैं सिंपल बना रही हूँ। तो आप देखिए इस तरीके से अब इस चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से प्रॉपरली, और ये चीज़ों को भी अच्छे से ढक के 2-3 मिनट तक इसको भी पका लीजिएगा। बहुत ही यम्मी टेस्टी लगती है ये वाली सब्ज़ी, पराठे के साथ और भी अच्छी लगती है। लेकिन इसका कलर थोड़ा सा लाने के लिए, बाहर जैसा लाने के लिए टोमेटो केचप मैंने ऐड किया है थोड़ा सा, ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर देना, लेकिन इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी हो गई है बिल्कुल डन, बहुत ही यम्मी वाली सब्ज़ी मैंने बनाई है आज। और यहाँ पे सिंपल पराठे थे, और इसके साथ रोटियाँ भी अच्छी लगती है, लच्छा पराठा अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे आज सिंपल पराठा बनाया है मैंने, ये हमारा आज का डिनर है बिल्कुल सिंपल। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का मिनी ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।